नमस्कार, यूबीएन 08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान, आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। रहिए यूबीएन 08 ताजा खबरों के लिए, बने रहिए यूबीएन 08 के साथ। बीनागंज चांचौड़ा से अंकित शर्मा की रिपोर्ट। गुना जिले का अस्पताल इन दिनों आवारा पशुओं के लिए अभ्यारण्य बना हुआ है। हालांकि अस्पताल में व्याप्त अनियमितताओं के खिलाफ आए दिन जनप्रतिनिधि, आमजन और मीडिया द्वारा आवाज उठाई जाती है, लेकिन अस्पताल के प्रबंधकों के कानों में उनकी आवाज नहीं पहुंचती है। कुछ दिन पहले भी जिला अस्पताल के प्रसूति वार्ड में आवारा सांड घुसने की काफी हल्ला मचा था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब यहां का प्रसूति वार्ड आवारा गाय सांड के साथ साथ आवारा कुत्तों को भी ऐशगाह बना हो चुका है। इन दिनों वायरल बुखार ने विकराल रूप धारण किया हुआ है। कोरोना की आशंका से जनजीवन भयग्रस्त है। वहीं इन आवारा पशुओं से नवजात शिशुओं और माताओं को संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, किंतु अस्पताल से जुड़े जिम्मेदार लोगों को इन सब से कोई लेना देना नहीं है। अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर वीके जैन भी आवारा पशुओं से निपटने के लिए कुछ और व्यवस्था करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन देश और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के नगर के सबसे बड़े अस्पताल को आवारा जानवरों से कब मुक्ति मिलेगी, ये कोई भी बताने को तैयार नहीं है। बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। बेसिकली इनकी एंट्री पे हमको रोक लगाना है, और एंट्री पर जो काउट कैचर लगा हुआ है वो गायों को प्रवेश को रोक नहीं पा रहा है, क्योंकि गाय आराम से उसमें से निकल जाती है। हमारे माननीय कलेक्टर महोदय ने भी इस पर काफ़ी संज्ञान लिया, और हमारे सब इंजीनियर को निर्देश दिया है कि काउट कैचर चेंज किया जाए, बदला जाए, और वो शायद मुझे लगता है कि आगामी कुछ दिनों में काउट कैचर यदि बदल जाएगा तो काफ़ी हद तक ये समस्या हमारी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि 24 घंटे दरवाज़ा खुला, उसमें दरवाज़ा रहता नहीं है, जानवर आते रहते हैं। और हमारे पास जहाँ तक गार्ड की बात है, कुल 14 गार्ड पूरे अस्पताल में हैं जो हमें 24 घंटे लगाने पड़ते हैं, जिसमें 7 गार्ड हम सुबह के टाइम पर लगा देते हैं, 8 से 2 के बीच में रहते हैं, 3 गार्ड जो है हमारे 2 से 8 के बीच में रहते हैं, और 3 गार्ड जो है हमारे 4 गार्ड रात में काम करते हैं। सफाई व्यवस्था को लेकर वहाँ जो गंदगी है, सफाई व्यवस्था को लेकर क्या कहना है? नहीं, सफाई व्यवस्था में तो काफ़ी, अब चूंकि ये जानवर पहुँच गए होंगे तो सबका जानवरों ने कुछ गंदगी की होगी, और अभी दोबारा शाम को फिर सफाई होगी। हमारे लगभग 3 टाइम सफाई हो जाती है, और वो सफाई के जो भी कर्मचारी लगाए गए हैं, मेंटेनर हुआ है, उसके अंदर वो काम कर रहे हैं, उनको निर्देश दिए गए कि सफाई की जाए।